चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। यस, आज दोपहर का खाना बाहर खाऊंगा। ये चीज एक शख्स ने अपनी जबान दराज बीवी का गला काट कर हलाक कर दिया। कैसा जमाना आ गया। नबी, तुमने मेरे 1000 रुपए देखे? नहीं जानू, मैंने तो 500 भी नहीं देखा। 1000 तो दूर की बात है, और वैसे भी तुम मुझे देती कितने हो? 100-150। मेरे पैसे कहाँ गायब हो गए हैं? अजय जानू, ये तो तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए ना। पापा को पता है कि मेरे पैसे कहाँ गए? भाई तुम्हें उनसे पूछना चाहिए ना, इतना कम खर्चा क्यों भेजते हैं जो तुम्हें पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ जानू? तुम्हारे पापा जैसा कंजूस और मोटा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ तो बेकार भी तो मैं तुम्हारे पापा की वजह से हूँ ना, वरना वो जहेज में मुझे अच्छी सी कार दिला सकते थे। जहेज एक लानत है नबील। मुझे तुम्हारी मोहब्बत में ये लानत कबूल है जानू। शट अप नबील। ओके जानू, ये अखबार पढ़ लेना, मैं आगे सुनूंगा। यार महमूद साहब, आज आप माशाअल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। महमूद साहब, लगता है आज आपने मुंह रगड़ रगड़ के धोया है तेजाब से। मुझे यकीन नहीं आ रहा नबील। अपनी खूबसूरती पर? नहीं, तुम्हारी तारीफ पर। अरे महमूद साहब, चाहे आपको अपने बड़े मुंह की परवाह हो ना हो, कदर हो ना हो, लेकिन आपका भाई जानता है आपके बड़े सारे मुंह की कदर। तुम क्या कह रहे हो नबील? ठीक कह रहा हूँ महमूद साहब, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। हाँ हाँ, आपकी खूबसूरती के सामने शाहरुख, सलमान खान सब पानी भरते हैं। क्यों, उनके घर पानी नहीं आता? ओह महमूद साहब, ना करे कूड़ बातें। मैं कहना चाह रहा था कि आज भी आपकी एक मुस्कुराहट पर लड़कियां जान दे सकती हैं। सच नबील? हाँ, बस जरा मुंह कम खुला करें, क्योंकि आपका मैदा नजर आता है कि सुबह नाश्ते में आपने अंडा फ्राई खाया है। वैसे कहे तो तुम ठीक रहे हो नबील, तुम्हारी माँ भी कहती है कि मैं बहुत हैंडसम और चार्मिंग हूँ। हाँ, लाइए फिर इसी बात पर 5000 रुपया निकाले। क्यों भाई? अरे यार, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं ये एहसान चाहिए। वो खूबसूरत मांग रही थी, आपको पता 2 घंटे में वापस कर देगी। फिर ले लो, फिर ले लो। हाँ मैं सब, आपको तो पता है खूबसूरत का, तो आप पता ही है। जिन लोग ज्यादा हुए तो मुझे वापस दे। नहीं, पूरे 5000 ही हैं। थैंक यू वेरी मच महमूद साहब, थैंक यू। आई वेलकम। पैसों में कितनी ताकत होती है यार। क्या बात है पुत्र कलीम, इतना वो क्यों लग रहे हैं? नबील माँ जी। हाँ कलीम, तू इतना नबील क्यों लग रहा है? उदास माँ जी, मैं उदास हूँ। अच्छा तो तू उदास है, हालांकि मैंने तेरा नाम बशीर रखा था। तो माँ जी मैं इतना परेशान हूँ, आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है? ना पुत्र ना, तेरी वो अभी जिंदा है। कौन? बीवी माँ जी? माँ माँ, तेरी अभी जिंदा है शकील माँ। नबील? हाँ नबील की माँ भी जिंदा होगी पुत्र, तू बस मुझे बता क्या चाहिए तुझे। 2000 माँ जी। 2000? हाँ माँ जी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा देखा है। और किस चीज का जोड़ा? वैसे मुझे कबूतरों का जोड़ा बहुत पसंद है। ये वास्ता ही रब दा तू जमी वे कबूतरा। माँ जी मैं कबूतर के जोड़े की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन के जोड़े की बात कर रहा हूँ। माँ जी पूरे 5000 का है और मेरे पास 2000 कम पड़ रहे हैं। फिक्र ना कर पुत्र, मैं भी अदरीस की जेब से 2000 रुपए निकाल के लाती हूँ। महमूद माँ जी। हाँ मैं भी अदरीस की जेब में से ना महमूद को निकाल के लाती हूँ। ठीक है माँ जी, थैंक यू माँ जी। जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ नहीं होता नवील। आज करूंगा पार्टी। यू
कौन सी पार्टी हो? अरे गला भाई आप कैसे हैं? आपकी अगलोती आंख कैसी है? हाँ ठीक है, चल पैसे निकाल मेरे। कौन से पैसे? अबे वही जो तूने मुझसे एक हफ्ता पहले लिए थे। काना भाई वो तो खर्च हो गए। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब मैं आपको क्या बताऊँ अजमल भाई, मैं किस कदर मुश्किल में हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। 3 दिन से? लग तो नहीं रहा। आपको लग नहीं रहा? अब मैं दुनिया को क्या बताऊं कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैं अपना गुर्दा बेच के आया हूँ अभी। तूने अपना गुर्दा बेच दिया? क्यों, आपने खरीदना था? ओ नहीं यार, मुझे बताता मैं तेरी कुछ मदद कर देता यार। अब मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ मेरे प्यारे अजमल भाई कि मैं आपसे उधार पे उधार लेता रहूं। नहीं 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 नहीं। ओ यार तू तो बड़ा खुददार निकला यार। अरे गाना भाई, खुददारी तो मेरी रग रग में भरी हुई है। हालांकि घर में मेरी लंगड़ी माँ और पागल बीवी 3 दिन से भूखी है, 3 दिन से। लेकिन फिर भी अजमल भाई मुझे आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। ओ बस कर दे पगले, अब रुलाएगा क्या अपने भैया को? अरे चाहे आप जबरदस्ती मेरी जेब में पैसे क्यों ना डाल दे, मैं नहीं लूंगा। मैं बात सुन मेरी, ये पैसे रख, लौटाना मत, घर वालों के लिए अच्छा सा खाना ले जाइयो। ना अजमल भाई ना, ना काना भाई ना, मेरा जमीर इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा। मैंने 2-4 दफा पूछा है अपने जमीर से, नहीं दे रहा इजाजत वो। कौन है ये जमीर, उसकी ऐसी की तैसी जो काना भाई की बात को टाले। ये रख तू। अरे थैंक यू काना भाई, थैंक यू। चलो खैर मैं चलता हूँ। अरे ठीक है काना भाई, दूर जाके चलिएगा, आप तो दुआ भी बहुत देंगे। थैंक यू काना भाई, सीधे हो गए। बड़ा आया था काना। मोमो ये कौन है? ये अजमल काना है सलमान। महमूद। हाँ ये महमूद काना है सलमान। बचपे मैं नबील का खून पी जाऊंगा। अरे भाईजान आप चाय या शरबत पी लें, नबील का खून पता नहीं कैसा होगा। नबील के बच्चे ने मुझसे पूरे 20,000 रुपए उधार लिए। चांदी ने आपसे उधार लिया है? अबे मैं नबील की बात कर रहा हूँ, और उसने मुझसे ये भी कहा था कि उसकी माँ लंगड़ी है। मैं लंगड़ी हूँ? अरे नहीं मोमो। अच्छा, और हाँ उसने ये भी कहा था कि उसकी बीवी पागल है। क्या नबील की ये हिम्मत? आने दो जरा नबील को, अभी लेती हूँ उसकी खबर। में कौन सी खबर सरैया? खूबसूरत माँ जी। हाँ वो तो मैं बचपन से ही हूँ। थैंक यू। चुप करो तुम लोग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया अजमल काने को। आप तुम लोग उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। हाँ जी, 10, 9, 8, 6, 7। मोमो चुप कर, क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ खून की नदियां बहा दूंगा, नदियां। देखिए काना भाई, आप अभी यहाँ से चले जाएं, जैसे ही नबील आएगा हम आपको बुला लेंगे, फिर आप जो मर्जी कीजिएगा, वो जाने और आप जाने। और देखो ए, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर आज शाम तक मुझे पैसे ना मिले, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना मैं फिर आऊंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अरे वरना आज नबील की वजह से हम सबकी जान जाती। नबील की इस झूठ बोलने की आदत के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हाँ आओ बाहर लॉन में चलकर सोचते हैं, ठंडी ठंडी हवा में दिमाग ज्यादा काम करता है। आ जाओ आ जाओ। मैं तो कहता हूँ कि नबील को अजमल काने के हवाले कर देते, वो खुद ही उससे निपटेगा। मैं तो तंग आ गई हूँ नबील की झूठ बोलने की आदत से। ओए तू कैसी बीवी है जमीला? खूबसूरत? वो तो खैर तू बिल्कुल भी नहीं है। ओए तुझे शर्म नहीं आती अपने मियां की बुराइयां करती है बैठ के? हैं मोमो, तुम नबील की ज्यादा तरफदारी मत करो, वो नहायत ही घटिया और मक्कार आदमी है। हाँ वो तो आप भी हैं शकूर। महमूद। ओ यार माँ जी कुछ सोचे यार, वरना हम सब लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सब उस हाथी की वजह से हुआ है। हाथी? अरे हाथी कौन? हाथी वो जो लाहौर में रहता है ना। लाहौर में तो सिर्फ तेरे पापा रहते हैं माँ जी। तो हाँ वो तो तेरे हाथी जैसे पापा की वजह से हुआ है ना सब कुछ। माँ जी ओहो मोमो कुछ सोचो यार। तो क्या सोचू रुस्तम? महमूद यार। महमूद को सोचू? अरे नहीं भाई, ये सोचो कि नबील के इस झूठ बोलने की आदत को कैसे खत्म किया जाए। वो तो मुझे पता है, आज ही मैं अपने घंटी वाले बाबा के पास जाती हूँ। घंटी वाले बाबा? हाँ वो घंटी बजाते ही ना हर मसले का हल निकाल लेते हैं। चुटकी मोमो है? अरे ये क्या कर रही हो तुम? आपने तो कहा था जबार। अरे जाओ तुम अपने घंटी वाले बाबा के पास ही जाओ। घंटी वाले बाबा के पास जा रही हूँ। अरे आधा किलो गोश्त निकाल दिया मेरा। मजा आ गया आज बाहर खाना खा।
इसीलिए मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। क्या मतलब माँ जी, आपने कहीं जहर तो नहीं मिला दिया इसमें? ओए पुत्र, जहर ही देना होता तो मैं तेरी रुसखाना को ना देती। रुसखाना कौन? ओए तेरी बीवी रुसखाना पुत्र। खूबसूरत माँ जी। और कहीं से खूबसूरत नहीं है तेरी बीवी, जब मैं लाई होती ना अपने पिंड से, हाय हाय तो मक्खन वर्गी होंदी सी। ओ माँ जी क्या हो गया, अब ले आए ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले तुझे उस पी ले, आजकल बड़ा वो हो गया तू। प्यारा नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं हो सकता। माँ जी आप मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल देती यार। झूठ झूठ, हाँ आजकल तू बड़ा झूठा हो गया, ये जूस पीने से ना सच्चा ईमानदार हो जाएगा बिल्कुल मेरी तरह। ओ माँ जी अगर ऐसा ही है तो फिर ये जूस सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदानों को पिलाएं। ओ कोई नहीं पुत्र, ये तू पी ले, मैं उनके लिए कोई और बना दूंगी। ओ देख ले माँ जी। पी पी शाबाश। मेरे पुत्र जी ले अपनी जिंदगी। हाय मारी जूस बुला गई है, मैं और ईमानदार और सच। नबील मुझे प्यास लग रही है। क्या तो मैं क्या करूं भाई, पानी ला कर दो मुझे। खूबसूरत तुम मुझ पर हर वक्त हुक्म चलाती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? हाँ सख्त जहर लगती हो तुम मुझे। नबील ये मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नबील? दिमाग तो मेरा तब खराब हुआ था जब मैंने तुमसे शादी की थी। क्या? हाँ नौकर बना के रख दिया तुमने मुझे, तुमसे शादी करने से बेहतर था कि मैं खुदकुशी कर लेता। नबील मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। उस मोटे सांड ने तो तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। मोटा सांड? तुमने मेरे पापा को मोटा सान कहा? तो और क्या कहूँ, पूरे जिस्म पे सिर्फ पेट ही पेट है। नबील तुम हद से गुजर रहे हो, जितना बड़ा पेट है उतना ही छोटा दिल है उस मोटे का। लोग अपने दामादों को क्या क्या नहीं देते और मुझे क्या मिला, सड़ियल अड़ियल बीवी। शट अप नबील। यू शट अप नबील। चली जाओ अपने पापा के पास, मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ठीक है मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। जानू जानू क्या बोल रहा हूँ, जानू 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 मेरी बात तो सुनो जानू। ये मैंने क्या कर दिया? खूबसूरत, अरे खूबसूरत मेरी बात तो सुनो खूबसूरत। अरे नबील ये खूबसूरत इतने गुस्से में कहाँ गई है? अपने पापा के पास। नबील देखो तुम ये झूठ बोलने की आदत छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे। ओ यार महमूद साहब आप मेरे मुंह से सब कुछ सच सच निकल रहा है। लो सबसे बड़ा झूठ तो यही है। ओ यार इस वक्त आप मेरे मुंह न लगे, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके बारे में सब कुछ सच सच बोल दूं। अरे तुम बेफिक्र रहो नबील, सच बोलो सच, मैं सच सुन के बुरा मनाने वालों में से नहीं हूँ। नहीं महमूद साहब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अरे नबील हिचकिचाओ मत, बोलो बोलो। तो फिर सुने, सच तो ये है कि आपसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। देखा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तो फर्क पड़ेगा भी कैसे, आप डीड हड्डी हैं, बहुत ही डीड हैं आप, बड़े मुंह वाले। अगर सच पूछते हैं ना तो जिस दिन से मेरी माँ से आपकी शादी हुई है उस दिन से मैं आपके मरने की दुआएं कर रहा हूँ। क्या? हाँ और आप तो बहुत ही ढीठ हड्डी है, टस से मस नहीं हो रहे। बस नबील बस, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना झूठ काफी है। अरे और सुने, सच सुनना है ना, अगर मेरा पास चले तो मैं आपको ठुट्टे मार किस घर से निकाल दूं, वो तो माँ जी का ख्याल आ जाता है मुझे। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे नबील, ये तो मुझे आज पता चला है। सॉरी महमूद साहब यार मैंने आपसे कहा था ना मुझसे सच मत बुलवाए, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे मुंह से खुद बहुत सच निकल रहा है। ये जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है ये सच है? हाँ जी। चले महमूद साहब लॉन में चल के कुछ सोचते हैं इसके बारे में। हाँ चलो, अगर मैं थोड़ा सच और बोल दूं। नहीं नहीं मैं चले चलो चलो। माँ जी आपने कैसा जूस पिला दिया है यार, मेरे मुंह से सच के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा। हाय इसका मतलब है घंटी वाले बाबा का वो काम कर रहा है। वो क्या माँ जी? वो जो सास अपनी बहू पे कराती है ना लानतान। अरे ये तावीज की बात कर रही है नबील। हाँ हाँ
लगता है घंटी वाले बाबा का तवीज काम कर गया है शमी। ओ माँ जी, आपने अपने बेटे पर तवीज करा दिया। हाँ हाँ पुत्र, सच का तवीज। देखना तुझे तवीज पिलाते ही वो डैन घर से गायब हो गई है। खूबसूरत। हाँ हाँ वो खूबसूरत डैन घर से गायब हो गई है। ओए आप इस घर का खर्चा कौन चलाएगा माँ जी? तू फिक्र मत कर कदूस, मैं तेरे लिए एक और डैन ले आऊंगी। वो बीवी माँ जी? हाँ हाँ वही डैन जैसी बीवी। अरे नबील, इस वक्त ये सोचो कि उस अजमल काने के पैसे कैसे चुकाओगे। आप तो खूबसूरत भी चली गई है। ओए नबील के बच्चे मेरे पैसे दे। ओए अजमल काना भाई साहब, प्लीज जाओ यार, मुझे तंग ना करो इस वक्त यार, प्लीज चल मेरे बच्चा। अब क्यों भाई? अरे काने, अरे इससे निकलवाओ सारे पैसे, मेरे 5,000 रुपए भी इसी के पास है। माँ जी मुझे बचा ले। भाई साहब मैं है कौन? माँ जी निकाल पैसे। ठहर जा यार, ठहर जा। चूहा! अरे पकड़ पकड़ इसे, पकड़। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अजमल भाई अपने जैसा ना कर देना मुझे प्लीज। अजमे पैसे निकाल मेरे, तूने तो कहा था कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैं मिस्कीन हूँ और यहाँ इतने मजे से रह रहे हैं तू है? अजमल भाई मिस्कीन तो शक्ल से तू लग रहा है। क्या 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 कहा तूने? हाँ बोल बोल, खुल के बोल, खुल के बोल। हाँ पुत्र बोल, डरना नहीं इस बंदर से। काना? हाँ बिल्कुल ना डरना इस काने बंदर से। और मैं यहाँ बेजा तो नहीं आया हूँ। अरे वो तू पहले से जलील है। माफ कर दो काना भाई, माफ कर दो। मैं तू कैसा आदमी है बे, पहले बेइज्जती करता है फिर माफी मांगता है। अबे तेरी को इज्जत है? वशे वशे ये चीज मेरे पुत्र। और बोल बोल नबील माँ जी। तुम तो कुछ कह रहे थे ना काने भाई को नबील। मैं ये कह रहा था कि इनसे ज्यादा कोई बहादुर, ईमानदार और बेगैरत आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे अंदाजा है तू किससे बात कर रहा है? अबे कद्दू जैसे बिन मानस इंसान। क्या? अब मैं ये क्या मुंह बोले जा रहा हूँ? अरे बोल बोल बोल। वो ये क्या बोलेगा अब? मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने वाला हूँ।